हाय फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों को लोग जो है ना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस के बारे में बड़ी लंबी लंबी वीडियोस में बताते हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। क्या होता ये है कि वो इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है, फिर वो आपको बताते हैं कि फलाने जगह में जाओ सेटिंग करो, उस जगह में जाओ सेटिंग करो, इस जगह में जाओ सेटिंग करो, लेकिन वो बड़ा जोखिम भरा काम होता है, वो अक्सर होता नहीं है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, इस पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2015 2019 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल x65, ठीक है। ये जो है ना इसको ये जो है ना ये तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन सबसे पहले जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना तो इसमें ये मसला आएगा कि ये सेटअप इसका फेल होगा, ठीक है। अब मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, सही है। ये तो मैंने 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 जो है ना सेट कर लिया, इस वजह से जो है ना ये काम इजी से इधर देख गया कि तो हो चुका है, आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू शुरू में मसला होता है, ये इंस्टॉल नहीं होता, ये जो है ना सेटअप फेल हो जाता है। तो इसके लिए इजी तरीन जो है मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको, ऐसा तरीका आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, वो आपको सेटिंग में लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा मसला होगा, ठीक है आपको। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्री टू लाइसेंस से इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, ये आसानी से हो गया, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं, ये जो है ना पहली दफ़ा इतनी आसानी से इसकी सेटअप नहीं होती। ये अक्सर जो है ना विंडोज 7 में ये मसला आता रहता है, ठीक है। आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, पहले से मैंने ट्राई किया, इस वजह से हो गया। आप लोग जब इसको करेंगे ना, इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग कंपेटिबिलिटी पे इसको रन करेंगे, ठीक है। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इशू डिटेक्ट करेगा, सही है, इसमें जो इशू होंगे ये डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है ना आप इसको ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग करेंगे, ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग करने के बाद जो है ना इस पे स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, सही है। तो यहाँ से ये प्रोग्राम देख लीजिए, ये आ गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका जो मसला जो है ना जो होता है आप लोगों का मसला आप लोगों के इंस्टॉलेशन का मसला जो होता है वो इधर हल हो जाता है, ठीक है। अभी ये मैंने पहले किया था, इस वजह से ये रिपेयर और इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, इससे पहले ये नहीं हो रहा था, ठीक है, नहीं हो रहा था। तो आप लोगों ने जो है ना वो प्रोसेस वही जो है ना रिपीट करना है। लोग जो है ना आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ऐसे राइट क्लिक करना है और ट्रबल शूट पर क्लिक करना है, ठीक है। ट्रबल शूट के बाद आपने ट्राई रिकमेंडेड सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तो जब ये प्रोग्राम आपका इंस्टॉल नहीं होता ना, तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से सारी सेटिंग जो है ना वो रिट्राइव कर लेता है। अब यहाँ पर देख लो, ये रिपेयर और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया होता है, तो जब ये इंस्टॉल नहीं होता या आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो फिर यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और 100% आपका जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।